हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब सही होंगे, अपने घर में होंगे। तो गाइस, हम दिखाते हैं आपको एक चीज़ जो आपने पहले शायद कभी देखी ना हो। तो अब दिखाते हैं हम आपको कि ये इतनी शानदार हट बनाते हैं इन लकड़ियों से, बहुत ही शानदार। आपने, मैं ये मान सकता हूँ, आई थिंक कि आपने शायद कभी नहीं देखी होगी इसी हट। ये पहले क्या करते हैं, पहले तो एक पेड़ पर चढ़ते हैं और उससे क्या करते हैं, उसकी कुछ लकड़ियाँ काटते हैं। और सबसे बड़ी गलती तो ये कर रहे हैं कि जोन से टहने पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। ये गलती है इनकी, इन्हें अच्छी तरीके से करना चाहिए। अब देखना आप, अब ये यहाँ से नीचे उतरे, पहले तो नीचे उतर के ये क्या करेंगे, अब ये इनको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में ये एक जो झोपड़ी के ऊपर लकड़ी डालते हैं ना, तो वो करेंगे पहले। तो ये सबसे पहले अब कुछ भी खा जाते हैं ये देखो, अब पहले तो ये खाएंगे। अब ये क्या है, अब ये देखो, इसमें से इस टाइप के एग्स टाइप के निकलते हैं। अब इसे तो ये खा जाएंगे। तो अब इसके बाद ये क्या करेंगे, खाने के बाद में अब ये इनको जो इनके ऊपर जो ये पत्ते हैं इनको अलग अलग काटेंगे। ये देखो, ये अब इन्हें इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। अब उसके बाद ये क्या करते हैं, ये इनको उठाएंगे और इनको भी वहीं पर इकट्ठा कर देंगे ले जाके। और उसके बाद में फिर इनका शुरू होता है झोंपड़ी बनाने का। अब इतनी सुंदर हट बनाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब ये लकड़ी इन्होंने इकट्ठा कर ली पहले से, मतलब जो आपने देखा होगा पॉपुलर वगैरह की लकड़ी होती है, मतलब यहाँ पे और खैर वगैरह की लकड़ी होती है, उनको ये एक साइज में काट लेंगे सबको। अब जैसे जैसे ये इकट्ठा करेंगे, पहले तो इस वजह से इकट्ठा कर रहे हैं कि बाद में जैसा बनाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ के साथ ये होता जाए काम। अब ये पेड़ पे चढ़ा, अब ये जैसे ही पेड़ पे चढ़ेगा, अब इसके बाद ये लकड़ी पकड़ाएगा उससे। लकड़ी पकड़ने के बाद अब ये क्या करेगा, दो लकड़ी इस टाइप की देखेगा जिससे दोनों साइड में ये लकड़ियाँ टिक जाएँ। दोनों का मतलब जैसे ये होता है, इनकी हाइट जो है वो मिलती रहे, बिल्कुल छोटा बड़ा ना हो, मतलब बड़ा चल जाएगा लेकिन छोटा नहीं चलेगा। इससे ये वो होता होगा, आपने देखा होगा शायद, जो गांव से है उन्हें तो पता है कि एक घास होती है जिसे कांस बोलते हैं, कांस। अब ये एक कांस होती है, और एक आपने देखी होगी पेड़ के ऊपर से कभी कभार एक जड़ टाइप की, रस्सी टाइप की नीचे आती है, वो भी बहुत मजबूत होती है। अब ये कांस है, अब ये इसे क्या करेगा, ये इसका अच्छी तरीके से बांधेगा इसे। अब अभी रुको, देखते रहो, देखो अब ये ब्लॉग में बने रहो और वीडियो पूरी देखना, सच बता रहा हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। अब इन बंदों का टैलेंट देखना आप, इनके अंदर कितना टैलेंट है। अब टैलेंट भी तो सबके अंदर नहीं होता है, हमारे अंदर नहीं है कोई टैलेंट, लेकिन अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब ये देखो, अब इन्होंने एक हिस्सा रेडी कर दिया है। जैसे ही ये देखो, इन्होंने लकड़ी क्या किया, पहले तो एक पेड़ देखा, पेड़ के ऊपर इन्होंने जो इसके डायमीटर है दोनों सेम किया। अब इसको ये बांध रहे हैं जिससे ये खुल ना सके। अब ये कहाँ से होता है, ये मतलब घास होती है, बहुत मजबूत होती है, ये तोड़ने से भी नहीं टूटती है। अब इसके बाद इन अच्छे तरीके से बांध लेंगे इसको, अभी बांध रहे हैं, उसके बाद दिखाते हैं क्या होगा। अब ये देखो, सो ब्यूटीफुल यार। अब इन्होंने क्या किया, इसको ऊपर से पहले तो सिंगल लकड़ी रखी, फिर उसके बाद डबल लकड़ी रख रहे हैं इसके ऊपर, जिससे अगर ऊपर से कुछ प्रॉब्लम भी हो वो नहीं क्रिएट हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये अच्छी तरीके से इसे बांध रहे हैं, और सच बताऊँ आप देखना कितनी ही ज़बरदस्त है ये चीज़, बहुत अच्छी है। अब तो गाइज, आप एक स्किप मत करना, एक एक चीज़ देखना,
क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें भी बनानी पड़ सकती है कहीं भी। तो अब ये है, अब ये नीचे जाएंगे, अब ये क्या लेंगे, अब ये लकड़ी उठाएंगे यहाँ पे। अब इन्होंने एक लकड़ी पकड़ाएगा और एक उसके ऊपर रखेगा, मतलब अब दूसरी साइड में, जैसा कि जिनसे ऊपर वाला हिस्सा नीचे ना आ सके, इस वजह से इनको क्या करेंगे, इनको बांध देंगे। अब वीडियो में बने रहो, आप देखते रहो कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब ये इसको सपोर्ट लगा रहे हैं जिससे कि अगर कोई हवा या तूफान वगैरह आए इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर तूफान आ गया, हमने सपोर्ट नहीं दे रखी है, तो आपको पता ही है कि वो नीचे गिरेगा। अब ये पहले से ही इतना मजबूत लेकर चल रहे हैं जिससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, इतना वीडियो को लाइक कर दो, और जिसको अभी तक फॉलो नहीं किया है जिसने, वो फॉलो कर दो प्लीज़। यार ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप इतना फॉलो और सब्सक्राइब कर दो। तो अब ये इसे दोनों को, मतलब जो ऊपर लकड़ी है उसको भी और जो नीचे गई हुई है उसको भी ये एक साथ बांध देंगे। अब ये देख लो, ये भी एक घास है जिससे ये बांध रहे हैं इसको, मतलब कोई भी प्लास्टिक वगैरह की रस्सी या कुछ भी, कोई भी वो चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे ये बांध रहे हैं तो आप देखते रहो, अब रेडियो में बने रहो, हम दिखाते हैं आपको कितने ही सुंदर हट बना के तैयार करेंगे, और वो भी एक पेड़ पे। अब जैसे अब इन्होंने ये दोनों साइड से बांध दिए, अब इनके ऊपर और बांधेंगे जिससे अब हम कोई भी चीज़ ऊपर डालेंगे। अब ये जो पत्ते वगैरह काट रखे हैं वो उसके ऊपर डालेंगे। ये देखो यार क्या नज़ारा है, सो ब्यूटीफुल। अब इसको ये तैयार कर देंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा सा रह गया है बस। अभी जहाँ इसको तैयार हुआ ये अच्छे तरीके से, पहले तो इन्होंने बांध ली इसको, अभी इसको बांध देंगे जिससे मतलब ये हिले ना। ये देखो यहाँ पर खड़े होने का भी इंतज़ाम इन्होंने बढ़िया तरीके से कर दिया है, बांस की लकड़ियों से, बांस की है शायद या पॉपुलर की या खैर वगैरह की हो सकती है। अब मजबूत लकड़ी की ही ज़रूरत होती है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम कोई भी लकड़ी ऐसी ले लेंगे तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब टूट जाए। अगर टूट गई तो समझो और ने कुछ हड्डी तो टूट ही जाएगी, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो। अब इन्होंने ये देखो, अब काटने के लिए भी ये इन्होंने अच्छे तरीके से बांध दिया है। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, अब दूसरी लकड़ी जो भी है वो भी बांध देंगे अच्छे तरीके से। जैसे बाहर से नकली लकड़ी आई हुई है, अब दोनों सिरे इसके दोनों दो के दोनों अच्छे तरीके से बांध देंगे। अब एक ही सिरा बंधा है, दूसरे में भी, दूसरे में इन्होंने दूसरी जगह पे लगाई एक सपोर्ट। देखो घाट कैसे होती है, ऊपर से मतलब ये होता है कि अगर बारिश भी हो रही है तो उसके ऊपर पानी नहीं रुकता है, तो पानी तो इसके ऊपर भी नहीं रुकेगा। ये देखो अभी तो तैयार हो जाएगी आपके सामने बहुत जल्दी। ये देखो आप, फिर ये जो भी लकड़ी वगैरह की प्रॉब्लम है वो लेके आएंगे। ये अब ये ले गए हैं, जिसे कांस बोलते हैं वो है ये, या कुछ और भी हो सकता है। आई थिंक मेरा मानना तो ये है कि ये कांस है, कांस बोलते हैं इसे, मतलब अब ये इसको इसके ऊपर घेरेंगे। अब ये बंदा तो चढ़ गया ऊपर, अब ये पकड़ाएगा उसे। तो अब ये इसे खोलेगा, खोलने के बाद में अब देखना आप। ये देखो अब ये अच्छी तरीके से इनको बांध लेगा, मतलब जो भी घास थी वो सब ऊपर इन्होंने रस्सी की सहायता से ऊपर ले लिया।
अब इसके बाद ये चढ़ेंगे ऊपर और इसके ऊपर डालेंगे खाद। प्लीज़ आप वीडियो में बने रहे, स्किप मत करना, एक एक पॉइंट देखना क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको भी। अगर कहीं ट्रैकिंग वगैरह के लिए गए हुए हैं तो एमरजेंसी में कहीं पर रुकना पड़ गया, वहाँ पर कुछ नहीं है तो ये चीज़ तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। अब ये देखो इन्होंने कितनी ज़बरदस्त चीज़ बना के तैयार कर दी है। तो दोस्तों मैं तभी कह रहा था आपसे कि देखना एक बार कैसे कैसे ये रेडी करते हैं इसको। अब ये 50% रेडी हो चुका है, 70% रेडी हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो फालतू होगा उसे काट देंगे, जैसे कि जो भी फालतू मतलब निकले हुए हैं वो काट देंगे। तो ये समझो कि ये तैयार ही है बस। अब इन्होंने, अब इनका टैलेंट देखो, बंदों में टैलेंट कितना है। अब एक पेड़ के ऊपर इन्होंने घर तैयार कर दिया है। अब पेड़ के ऊपर, वो भी पेड़ के ऊपर। हाँ एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हवा तेज आती है फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका ये नहीं पता कब गिर जाए। लेकिन बंदों ने बिल्कुल एकदम तगड़े तरीके से बनाया है। अब पहले ऐसा होता था, जैसे कि पहले 2000 से पहले ऐसा होता था तो गांव वगैरह में इन चीज़ों को यूज़ करते थे। बहुत जगह जो मतलब अभी पिछड़ी हुई है वहाँ पे भी करते हैं यूज़ इनका, मतलब वो पेड़ के ऊपर नहीं करते, नीचे धरती पे करते हैं, ये कर रहे हैं पेड़ के ऊपर। अब ये टैलेंट तो है बंदों में, अब इनका टैलेंट तो है इनमें तब बना रहे हैं, मैंने तो शायद देखा भी पहली बार ही है। तो प्लीज़ गाइज आप भी देखो कैसे कैसे ये रेडी करते हैं। बंदों को यार सलाम है यार, इन बंदों को इतना दिमाग कहाँ से आया नहीं है। आज अब इन्होंने जो लकड़ी थी बांस का आधा हिस्सा काटा और उसमें पानी वगैरह डाला और वो पी लिया। अब उसके बाद ये इनको अंदर से इनमें होल करेंगे जिससे लकड़ी नीचे ना गिर पाए, जो भी इन्होंने बंद रखा है वो नीचे नहीं। अब ये लकड़ी का दूसरा टुकड़ा उठाया इन्होंने जिससे दूसरी लकड़ी सपोर्ट हो सकती है। अब ये है, ये सपोर्ट जहाँ हुई इससे, ये देखो ये तीनों जो बांस के ये है इन्होंने ये दूसरे बांस से अटैच कर दिए। अब इनके अंदर जो लकड़ी की वो कील वगैरह टाइप ले रहे हैं, कील तो बोल नहीं सकते, जो भी है ये है कील टाइप भी है वैसे तो, ये इन्होंने ली। और उसके बाद क्या किया इन्होंने, अच्छी तरीके से ऊपर भी कर लिया, इसी ऊपर भी होल कर लिए। और उसके बाद में अब इन्हें होल करने दो, पहले तो मैं बताता हूँ फिर आपको सारी पूरा का पूरा प्रोसीज कैसे कैसे तैयार हो। अब इन्होंने ये चीज़ कर ली तैयार, अब जो भी मतलब नीचे था उसके वो भी अच्छी तरीके से इन्हें अटैच कर दिया है जिससे इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जब इतने ऊंचाई पर बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो हो भी सकती है, अब जब तूफ़ान आता है बता के तो नहीं आता, कुछ भी हो सकता है, जब तूफ़ान आया तो भाई कुछ भी कर सकता है। अब जब इतने ऊंचाई पर बना रहे हैं पेड़ के ऊपर, हाँ ये भी तो हो सकता है कि पेड़ नीचे ही गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इन क्या कर रहे हैं, ये इनको अच्छी तरीके से बिल्कुल पक्के तरीके से कर रहे हैं। लेकिन बंदों में भाई मानता हूँ कि यार बहुत टैलेंट है। अब इन्होंने कर दिया है तैयार, देखो अब ये जो भी रह रहे हैं उनको अभी 2 मिनट लगेगी ज़्यादा ज़्यादा रेडी करने में, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अब ये भी कर दिया इन्होंने कंप्लीट, अब जो भी मतलब बचा हुआ था ये इस वजह से, ये देखो आपको इसका व्यू देखो, और पहाड़ों के बीच में है, पेड़ के ऊपर है। अब इन्होंने यार सच बताऊँ तो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार कर दिया है। अभी देखो तुम कितना अच्छा लगेगा, 2-4 मिनट की बात हो रहा है
अब 2-3 मिनट के अंदर ही तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट करके दिखाएंगे। ये देखो अभी जैसा वो होता है ना, बराबर में घर के बाहर साइड में बना देते हैं, हाँ छतों वगैरह पे ग्रिल वगैरह टाइप, वो तो वो बना रहे हैं अभी, अभी ग्रिल तैयार कर रहे हैं जिससे इन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस मौसम भी यहाँ का तो बड़ा टॉप है, वेदर देखो आप कितना ज़बरदस्त है यहाँ का यार, सो ब्यूटीफुल नेचर, तो यार नेचर ही होता है सो ब्यूटीफुल नेचर। ये देखो पहाड़ों के बीच में इन्होंने किस तरीके से इसको तैयार किया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब ये देखो अब ये इतना तैयार हो गया है। तो गाइस आप इसे लाइक कर दो और फॉलो कर दो और सब्सक्राइब कर दो माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सपोर्ट करो क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है। आप सपोर्ट करोगे तभी तो अच्छा हो पाएगा, क्योंकि सपोर्ट तो आपने ही करना है। अब वीडियो में बने रहे, हम दिखाते अब ये करते क्या है। अभी इन्होंने तैयार करके ये गए, अब ये देखो मिंडक पानी में, ये देखो यहाँ पे पानी है मतलब नदी वगैरह होगी जिससे ये कुछ चीज़ें निकालेंगे इससे खाने के लिए, मछली वगैरह पकड़ेंगे यहाँ से। अब मिल गई है इन्होंने मछली, अब ये फिश, ये देखो मिंडक भी उठा लिया इन्होंने, मिंडक मछली है कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना आप ये फिशिंग कर रहे हैं, ये देखो ये जो भी मछली वगैरह इन्हों कुछ भी मिल रहा है छोटी बड़ी मिंडक ही है वैसे तो, सब उठा रहे हैं। लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है क्या खाने लग जाए। अब ये देखो अभी देखते रहो आप, अब ये खाते क्या क्या है। अब ये देखो क्या खा पकड़ रहे हैं, चलो मछली तक तो ठीक है यार, ये मिंडक झींगा वगैरह कुछ नहीं छोड़ते हैं यार, पता नहीं कैसे इंसान है या तो इनकी परंपरा है या जो भी है, लेकिन आई थिंक ये बहुत गंदा गंदी चीज़ है कि ये कुछ भी चीज़ को नहीं छोड़ दें, मिंडक चाहे कुछ भी फंस जाओ इन्हें, मछली मिंडक कोई भी जानवर हो। अब ये देखो छोटी छोटी मछली को उनको क्या करेंगे परेशान। ये देखो ये मिंडक है, मिंडक इकट्ठे सारे मिंडक इकट्ठे कर लिए इन्होंने। अब ये है कि सनी मिंडकों के साथ क्या करेंगे, अब ये देखो अब इनको फ्राई करेंगे, ये देखो कैसे फ्राई करते हैं। अब यार कुछ तो शर्म कर लो, कुछ भी खाने लगते हैं, कुछ भी खा रहे हैं। ये देखो मिंडक यार, नाम भी सुन के बहुत अजीब लग रहा है। अब असली महासारी तो महासारी तो ये है, ये कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। ये इनको ऊपर लेकर जाएंगे, बना लिया है इन्होंने, इनका तो परफेक्ट हो जाएगा सारी चीज़ें। अब ये देखो आप सब कुछ छोड़ो, ये देखो इन्होंने इस हट को कितनी अच्छी तरीके से बनाया है यार, सो ब्यूटीफुल। अब जितनी तारीफ करो सही बताऊँ तो थोड़ी है, अब इतनी अच्छी चीज़ इतने कम समय में इन्होंने तैयार कर दी। अब ये देखो कैसे खा रहे हैं यार, बिल्कुल हद हो गई है, कुछ भी पेल रहे हैं। अब इन्होंने ये जो गिलासेस वगैरह बना रखे हैं वो क्या कर रखा है, जैसा वो बांस होता है, बांस के बीच में एक ये होता है कि डिवाइड, मतलब जिससे डिवाइड नीचे का नीचे रहे ऊपर का ऊपर रहे। अब ये इन्होंने ये काट रखे हैं, अब गिलास का काम तो वो कर रहे हैं। अब ये देखो कैसे खा रहे हैं यार, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ भी फेल रहे हो। अब देखो खा के कैसे देख रहे हैं,
मानता हूँ भाई आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन टैलेंट तो है लेकिन ये थोड़ी कुछ भी खा लिया, अब आप यहाँ पे पड़ दिए और नीचे तो कुछ गेट डाल लो। तो गाइस चैनल को फॉलो करो, लाइक करो और माय यूट्यूब चैनल को सर्च करो। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।